हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एसी करंट एंड डीसी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किस तरह किया गया, एसी करंट एंड डीसी करंट के लिए निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन के बीच क्या क्या वार हुआ, एसी करंट को क्यों सिलेक्ट किया गया, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। बेसिकली एसी करंट का फुल फॉर्म देखा जाए तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट का फुल फॉर्म देखा जाए तो ये होता है डायरेक्ट करंट। यदि हम इसे थोड़ा और टेक्निकली समझे तो जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है और डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है चलिए हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक एसी करंट की वेव फॉर्म है जो इस तरह से चल रही है। बेसिकली क्या होता है, जो एसी करंट होता है उसमें जो वोल्टेज और करंट होता है वो टाइम के साथ कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मिलाए तो ये एक साइकिल कहलाता है। यदि इसी तरह हम देखें तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है पहले हम ये सीख लेते हैं। बेसिकली एक सेकंड में देखा जाए तो जो हमारी एसी करंट की जो वेव फॉर्म होती है इस तरह के 50 साइकिल या 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है, यही मेन फ्रीक्वेंसी होती है। यदि हम डीसी करंट में देखें तो डीसी करंट में क्या होता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जो पॉजिटिव होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, जो नेगेटिव होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। जो पॉजिटिव होता है वह हायर पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। चलिए हम समझ लेते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किस तरह किया गया, क्या क्या वॉर हुए थे। नॉर्मली क्या होता था, पहले के ज़माने में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तो वहाँ पर क्या होता था, हम रोशनी करने के लिए कैंडल्स का यूज़ करते थे। अब क्या हुआ, इसे देख के थॉमस अल्वा एडिसन ने कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1879 में कार्बन फिलामेंट बल्ब की खोज की थी। इस कार्बन फिलामेंट बल्ब से हमारे घरों में रोशनी पहली बार आई थी और यह पहला कार्बन फिलामेंट बल्ब था जो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। अब उन्होंने क्या देखा कि जो कार्बन फिलामेंट बल्ब था वो 110 वोल्ट 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होता था, जो उन्होंने उनकी जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर उन्होंने फाइंड किया। और उन्होंने इस बल्ब के प्रोडक्शन के लिए एडिशन इल्यूमिनेटिंग नाम की एक कंपनी 1880 में स्टार्ट की। और बेसिकली इस बल्ब को रोशनी देने के लिए इन्हें पावर सप्लाई की भी ज़रूरत थी, तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने पर्ल स्ट्रीट सब स्टेशन नाम का पहला एक सब स्टेशन खोला, जो कि इस दुनिया का पहला सब स्टेशन था जो कि 110 वोल्ट डीसी जनरेट करता था। अब उन्होंने क्या पाया, ये जो कार्बन फिलामेंट बल्ब है ये उनकी लेबोरेटरी में तो एकदम सही चल रहा था, बट जब इस बल्ब को कंज्यूमर के यहाँ लगाया गया तो ये बल्ब डिम जल रहा था या जल रहा ही नहीं था। ऐसा क्यों हुआ था चलिए हम पहले समझ लेते हैं। ये उनका पहले इसके लिए देखा जाए तो पर्ल स्ट्रीट सब स्टेशन है और यहाँ पे उनके कुछ जनरेटर्स है जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता था। देखिए क्या होता था, जब एडिसन इस बल्ब को अपनी लेबोरेटरी में ऑन करते थे तो 110 वोल्ट उन्हें प्रॉपर मिलता था, तो हमारा बल्ब जो था वो एकदम सही से ग्लो होता था। बट जब इसे कंज्यूमर के यहाँ लगाया जाता था तो पावर जब इससे ट्रांसमिट की जाती थी जनरेटर से तो क्या होता था कि बेसिकली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता था। वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण कंज्यूमर तक 110 वोल्ट पहुँच ही नहीं पाता था, जिसके कारण हमारा बल्ब सही से नहीं जलता था। ऐसा क्यों होता था, जैसा कि हम जानते हैं जो डीसी सप्लाई होती है उसे हम ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो डीसी सप्लाई होती है उसे हम 2 किलोमीटर या उससे भी कम के डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यदि उन्हें बल्ब को जलाना है तो हर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उन्हें जनरेटिंग स्टेशन बनाना होता था जिसके जरिए वहाँ पर कंज्यूमर तक सप्लाई दे सके। अब यदि हर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस तरह का जनरेटिंग स्टेशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है काफ़ी महंगा हो जाता है, यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसके कारण जो एडिसन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे वो काफ़ी हाई रेट पे प्रोवाइड कर रहे थे, काफ़ी महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जनरेटर इंस्टॉल करना होते थे जिसके कारण इस बल्ब को रोशनी मिल सके। इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन था वो काफ़ी महंगा हो रहा था, हर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उन्हें सब स्टेशन बनाना पड़ रहे थे। तो ये काफ़ी ड्रॉबैक, ये काफ़ी बड़ा एक ड्रॉबैक था जो कि डीसी सप्लाई पर उनका यह बल्ब ऑन हो रहा था। इसी के चलते क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया में पढ़ाई कर रहे निकोला टेस्ला, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एडिसन के नीचे ही उन्होंने काम किया, एडिसन की लैब में ही उन्होंने काम किया और उन्होंने पाया कि जो एडिसन के डीसी सप्लाई है उसके कई सारे ड्रॉबैक्स है या उसमें कई सारी कमियां है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना डीसी सप्लाई को रिप्लेस किया जाए इस एसी सप्लाई से, अल्टरनेटिंग करंट से इसे रिप्लेस किया जाए। और उन्होंने कई साल की रिसर्च के बाद पाया कि यदि हम एसी सप्लाई का जनरेशन करते हैं
तो एसी सप्लाई का जनरेशन करने के बाद इससे हम ज़्यादा पावर भी ज़्यादा पावर है उसे भी कम किया जा सकता है और इसे ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट भी किया जा सकता है। उन्होंने क्या किया, एसी सप्लाई का जनरेशन करने के लिए एक अल्टरनेटर डिज़ाइन किया। बेसिकली डीसी के लिए जनरेटर बनाया जाता है, बट उन्होंने एसी सप्लाई का जनरेशन करने के लिए इस तरह से अल्टरनेटर बनाया, जो ये जो अल्टरनेटर है ये एडिसन का द्वारा बनाया गया पहला अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर में क्या होता है, एक आर्मेचर होता है, उसे हम बेसिकली देखा जाए तो दो मैग्नेट के बीच में रन करवाते हैं, ये एन पोल ये एस पोल, इसके बीच में हमने क्या इस आर्मेचर को रन करवाया, और इस आर्मेचर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रन करवाया जाता है तो आर्मेचर हमारा रोटेट होता है। बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होती रहती है। जब मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होती है तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो कि एसी में होती है। तो ये बेसिकली सबसे पहले अल्टरनेटर बेसिकली निकोला टेस्ला ने ही बनाया था। तो उन्होंने देखा कि यदि हम एसी सप्लाई को बनाते हैं तो एसी सप्लाई को बनाने से क्या होगा, पावर भी हमारी लेस कंज्यूम होगी और हम इसे ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस तक ट्रांसमिट भी कर सकेंगे। तो ये उन्होंने बेसिकली उनकी लैब में पाया डीसी सप्लाई के जो ड्रॉबैक थे उन्हें दूर करने के लिए। अब उन्होंने सोचा क्यों ना ये सभी चीज़ें हम एडिसन को बताएं, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी सप्लाई को कंज्यूमर तक और कम से कम रेट में ट्रांसमिट कर सकेंगे। तो ये सभी चीज़ों को बोलने के लिए निकोला टेस्ला एडिसन से मिलने अमेरिका गए, और वहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की एडिसन को कि हमारी यदि हम डीसी सप्लाई को बनाते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उन्होंने क्या पाया कि जब निकोला टेस्ला ने सारी चीज़ें एडिसन को सब चीज़ें समझाई, एडिसन थे, एडिसन ने कहा कि ये एसी जो सप्लाई है वो यूजलेस है, इसमें हम ज़्यादा बेसिकली देखा जाए तो ये काम में नहीं आने वाली है। और उनकी ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बेसिकली अभी तक जो निकोला जो एडिसन थे, एडिसन लाखों करोड़ों रुपये जनरेटर में इन्वेस्ट कर चुके थे, और ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि इतना छोटा साइंटिस्ट हमें आके बता रहा है, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट मुझे आके राय दे रहा है, तो ये या तो उनका एरोगेंस भी हो सकता था। उन्होंने क्या कहा कि जो एसी सप्लाई है वो हमारे यूजलेस है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका मेन रीज़न यही था कि अभी तक लाखों करोड़ों रुपये एडिसन उस जनरेटर को परचेस करने के लिए लगा चुके थे, या उनका एरोगेंस भी हो सकता था, इसीलिए उन्होंने बेसिकली निकोला टेस्ला को मना कर दिया कि हम एसी में कोई भी जनरेशन नहीं करने वाले हैं। ये सब चीज़ों को देख कर टेस्ला ने देखा जाए तो टेस्ला ने एडिसन की लैब में काम करना उस टाइम से बंद कर दिया, और उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी खुद की एक कंपनी डाली जाए। तो इसी को ही देख के सबसे पहले तो टेस्ला ने एडिसन की जॉब छोड़ी, बट कंपनी डालना इतना आसान नहीं होता है, उसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, तो उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। बट उनका जो आइडिया था वो काफ़ी अच्छा था, और इलेक्ट्रिसिटी के टाइम उस टाइम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो उनका आइडिया अच्छा होने के कारण उन्हें जो इन्वेस्टर्स थे काफ़ी आसानी से मिल गए। बेसिकली उनका आइडिया काफ़ी अच्छा था, इसी कारण जो इन्वेस्टर्स थे काफ़ी अच्छे से मिल गए। अब जो उन्हें इन्वेस्टर मिले तो इन्वेस्टर के उन्होंने इन्वेस्टर लेकर 1887 में उन्होंने एक कंपनी डाली जिसे टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम दिया गया। बेसिकली कंपनी उन्होंने जो डाली थी वो 1887 में डाली थी, और उस टाइम देखा जाए तो एडिसन का जो था मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि एडिसन क्या होता था, जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी काफ़ी हाई रेट में लोगों को प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण लोगों को कंजम्पशन काफ़ी महंगा पड़ रहा था, जिसके कारण जो कंज्यूमर थे वो एडिसन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं जब निकोला टेस्ला ने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्टार्ट किया, जो कि एसी में किया था, तो एसी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया तो उन्होंने जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ किया। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाकर, वोल्टेज के रेंज को हाई करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी दूर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया कि जब पावर को ज़्यादा ट्रांसमिट हम इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए कर सकते हैं, तो इसके कारण क्या हुआ, जो बेसिकली उनका जो कंजम्पशन था काफ़ी कम था, इस कारण जो टेस्ला ने जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की वो काफ़ी सस्ते रेट में प्रोवाइड की, जो एडिसन प्रोवाइड कर रहे थे उससे 3 गुना सस्ते रेट में टेस्ला ने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। इसे ही देख के क्या हुआ, टेस्ला रातों रात फेमस होने लगे, टेस्ला की जो पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ने लगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी कम रेट में लोगों तक प्रोवाइड कर रहे थे और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। नॉर्मली क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे थे, यही सबसे मेन रीज़न है, ट्रांसफॉर्मर से वो वोल्टेज को हाई करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते थे, जिसके कारण उनके पास जो जनरेटर का जो खर्चा होता था या सब स्टेशन हर 2 किलोमीटर पर बनाना पड़ता था, उन्हें वो नहीं बनाना पड़ता था,
जिसके कारण उनकी जो पॉपुलरिटी थी वो बढ़ती ही जा रही थी और एडिसन की जो पॉपुलरिटी है वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी। एज एडिसन की जो थी नेगेटिव छवि लोगों के बीच में बन रही थी। अब इसके बीच में क्या हुआ, अभी तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई गई थी वो सिर्फ बल्ब को ऑन करने के लिए बनाई गई थी। सभी के यहाँ सिर्फ बल्ब ही चल रहे थे, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी उसे ओनली एंड ओनली बल्ब ही ऑन किए जा रहे थे। बट टेस्ला ने काफ़ी और इन्वेंशन किए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पहली जो इंडक्शन मोटर बनाई वह भी टेस्ला ने बनाई। बेसिकली देखा जाए टेस्ला ने कई एक्सपेरिमेंट करके एक्सरे मशीन भी बनाई, एसी सप्लाई टेस्ला ने बनाई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर, लेज़र, रोबोटिक्स, रेडियो, रिमोट कंट्रोल, लाइट, कई इन्वेंशन इसके बाद टेस्ला ने किए। तो उन्होंने क्या किया कि पहली जो इंडक्शन मोटर बनाई गई वो टेस्ला के द्वारा बनाई गई। अब इस पहले जो इंडक्शन मोटर बनी, अब इससे क्या हो सकता था, हम बड़ी बड़ी मशीनों को भी रन कर सकते थे। इसे देख तो टेस्ला की थी छवि दिन पर दिन अच्छी होती जा रही थी, क्योंकि पहले तो सिर्फ बल्ब भी ही जल रहे थे, अब उससे हम बड़ी बड़ी मोटरें रन कर रहे हैं। तो इसके कारण टेस्ला की जो थी वो छवि अच्छी होती जा रही थी और एडिसन की छवि लोगों के बीच में ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि एसी काफ़ी सस्ते रेट में भी लोगों तक पहुँचा रहे थे और अच्छी बेसिकली जो सप्लाई की जो क्वालिटी थी वो भी काफ़ी बेटर थी। बेसिकली इसी देख कर क्या हुआ, एडिसन जो थे वो टेस्ला से काफ़ी ज़्यादा जलने लगे और कई तरह के लोगों को रीजंस बताते थे कि रिपोर्टर्स को बुलाते थे कि जो एसी सप्लाई है वो ज़्यादा डेंजर होती है, यदि किसी को शॉक लगता है तो वह उसकी डेथ हो सकती है, और कई तरह के ड्रॉबैक्स लोगों को दिखाने लगे क्योंकि एडिसन काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो चुके थे और उसकी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी एडिसन को हुआ था, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपये जनरेटर्स के ऊपर लगाए थे। यदि एसी सप्लाई लोगों तक पहुँचती है तो उनके जनरेटर्स बेकार हो जाते, इसीलिए लोगों को कई तरह के वो बताते थे कि एसी सप्लाई के क्या क्या ड्रॉबैक्स है। और उन्होंने एसी सप्लाई का एक्सपेरिमेंट कुछ एनिमल्स के ऊपर भी किया कि यदि किसी को शॉक लगता है तो वह मर सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। तो उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट को बताया कि जो एसी सप्लाई है वो गलत होती है, बट जो टेस्ला की एसी सप्लाई थी वो बेसिकली कम रेट पर भी थी, हाई क्वालिटी थी। इस कारण लोगों ने बेसिकली देखा जाए तो एडिसन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी सारी बातों को रिफ्यूज़ कर दिया। और टेस्ला क्या बेसिकली एडिसन देखा जाए तो कंटिन्यू ब्लेम करते रहते थे एडिसन को। इसी कारण जो एडिसन की जो छवि थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी लोगों के बीच में, और एक समय ऐसा आया जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली निगेटिव भी हो चुके थे। तो इसी कारण उन्हें अपनी ही कंपनी से फायर कर दिया गया, जो मैनेजर्स लोग थे उन्होंने एडिसन को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया था। तो यही सारी बेसिकली प्रॉब्लम्स को देखते हुए एसी सप्लाई को जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एसी सप्लाई को एक्सेप्ट किया और डीसी सप्लाई को रिजेक्ट किया, क्योंकि एसी सप्लाई से हम मोटरें भी उस टाइम पर रन कर रहे थे, उससे ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट भी कर रहे थे, कम प्राइस पर भी बेसिकली देखा तो कम प्राइस पर भी लोगों तक जा रही थी। तो यही कुछ बेसिकली एडवांटेजेस थे एसी सप्लाई के जो डीसी सप्लाई में हमें नहीं मिल रहे थे। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किस तरह किया गया और एसी सप्लाई को क्यों हमने पहले सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके कई सारे एडवांटेजेस थे जो कि डीसी सप्लाई में नहीं मिल रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।